सूर्य और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाए क्या खोए, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। तो ग्रह गोचर के इस दौरान हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है सूर्य शुक्र की युति, जो कि 31 अगस्त को बन रही है और वो भी सिंह राशि में। यानी कि सूर्य अपने घर में ही शुक्र के साथ मिलकर ये युति, इस युति का निर्माण हो रहा है। और इस युति में खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के संबंधों पर, उनके काम कारोबार पर और खास तौर पर उनके आर्थिक पक्ष पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ देखने को मिल सकता है इन आने वाले 17 दिनों के अंदर अंदर, आचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान ले सूर्य शुक्र की इस युति के बारे में, बताइए। देखिए कविता जी, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए विशेष करके अगर बात करें इस चार्ट पर, तो ध्यान देंगे आप लोग कि थर्ड हाउस में हो रहा है। थर्ड हाउस को पराक्रम का भाव कहा जाता है, लेकिन वर्तमान ज्योतिष में जो करंट ज्योतिष है, जो क्योंकि ज्योतिष आप जानते हैं, दर्शक भी हमारे जानते हैं कि शोध का विषय है, यह परिवर्तित होता रहता है। इसका प्रभाव बेस वही रहेगा, अध्ययन का बेस वही रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव जो है वह बदलता रहता है। तो जो अभी जो वर्तमान ज्योतिष है, जो करंट ज्योतिष है, उस पर जो हमारा शोध कहता है थर्ड हाउस के भाव पर, वह कहता है कि यह कहीं ना कहीं संबंधों के भाव को भी दर्शाता है। उसका एक मूल वजह है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आज फिर एक बार करता हूँ। उसकी एक मूल वजह है कविता जी कि अगर आप बात करेंगे अपने पराक्रम की, पराक्रम कहते किसको हैं, पराक्रम जो है वह शक्ति है अपनों के द्वारा मिलने वाली। अगर आप बात करेंगे कि पिता का पराक्रम किससे होगा, उसके पुत्र से होगा, तो पुत्र के संबंध को इफेक्ट करने लगा है। उसके साथ एक स्त्री का पराक्रम किसका किससे होगा, उसके पति से होगा। एक पुरुष का जो पराक्रम होगा उसकी पत्नी से होगा जी। तो यह कहीं ना कहीं पराक्रम के भाव में बैठकर इनडायरेक्टली, हम कहते हैं ना कि जितना ग्रह जो है वह घर में बैठकर उस भाव में बैठकर जितना प्रभाव नहीं बनाता है, उससे ज़्यादा प्रभाव वह अपने ग्रहों पर दृष्टिगत तरीके से वह प्रभाव देता है। इसी श्रृंखला में आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में बैठकर यह पराक्रम को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ साथ पर्सनल संबंधों को भी प्रभावित करने वाला गोचर रहेगा कविता जी। चलिए, जैसे कि आपने कहा कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को प्रभावित कर सकता है, यही जानना चाहूंगी संबंधों के मामले में फिर ये 17 दिन इनके लिए कैसे रहने वाले मिथुन राशि वाले जातक। देखिए संबंधों के विषय में अगर बात किया जाएगा कविता जी, तो जो इनका थर्ड हाउस है वहाँ पर सूर्य और शुक्र का गोचर हो रहा है। थर्ड हाउस से अगर हम देखेंगे तो सप्तम अगर इनके लग्न से देखेंगे तो वह धनु का घर आ रहा है, गुरु का घर आ रहा है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं उत्पन्न करेंगे, लेकिन क्योंकि यह पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, तो पारिवारिक चीज़ों से, पारिवारिक लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से कुछ न कुछ मतभेद, या कह लें वैचारिक मतभेद पति पत्नी के संबंधों में इस दौरान आ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय अपने आप को, अपने अहम को, क्योंकि सूर्य शुक्र के साथ बैठा हुआ है, कई जगह ऐसा होगा कि इस दौरान इस 15 से 16 दिनों में कि अपने अंदर स्वयं अहम जाग उठेगा कि नहीं मैं क्यों बार बार सुनूँ, या मैं क्यों बर्दाश्त करूं बार बार। तो यहां पर अपने अहम को बहुत छोटे समय के लिए दबाकर रखना है आपको, उसके बाद यह शुभता ही देगा। लेकिन सिर्फ अगर अहम को नहीं दबा पाए आप, तो आपके लिए यह दिक्कत उत्पन्न करेगा जिसका भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है। तो विशेष करके बात करें संबंधों में, तो सूर्य शुक्र एक साथ है, तो सूर्य अहम को देता है, मान सम्मान को बढ़ाता है, अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस देता है। वह लगता है कि जब भी कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाएगा तो वह बहुत क्विक रिएक्ट करना शुरू कर देगा पर्सन। तो इसलिए अगर संबंधों में आप हैं तो आपको थोड़ा सा अभी अपने अहम को दरकिनार करके, या एक बार, क्योंकि अपनों के लिए अपने भी आत्मसम्मान को एक बार दबाना उचित रहता है, तो अपने संबंध को बचाने के लिए या अपने संबंधों में मिठास लाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर दबकर आगे बढ़ना रहेगा कविता जी। चलिए, ये तो आपने इनके रिश्तों को लेकर बात की, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी काम कारोबार के मामले में, का जो कार्य क्षेत्र है वहाँ ये युति इन्हें कितना लाभ दे रही है। देखिए कार्य क्षेत्र के विषय में जो यह गोचर है,
अगर देखा जाए तो पंचम भाव में चंद्र केतु की युति बन रही है जिस दिन यह गोचर हो रहा है, इसके बाद चंद्रमा गोचर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो गुरु बैठे हुए हैं दशम भाव में, तो यहाँ पर दर्शाते हैं गुरु कि दशम भाव में बैठने की वजह से और थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र बैठने की वजह से यह दर्शाते हैं कि अब आपका जिस कार्य में हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहाँ आपको पूर्ण अनुभव नहीं हो रहा है, यानी कि पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है। तो आप एक कंप्लीट सर्च में या अपने काबिलियत के अनुसार एक सर्च में आप रहेंगे। इसी तरीके का प्रभाव जो है वह व्यापार की दिशा में भी देखने को मिलेगा कविता जी, कि व्यापार में भी आपको लगेगा कि जिस स्तर का आपका परिश्रम है, जिस स्तर का आपका कार्य है, वह मान सम्मान या वह पद गरिमा आपको या उतना आपको धन धनार्जन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा मानसिक रूप से विचलित पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर। तो अगर आप देखें तो व्यापार और कार्य क्षेत्र दोनों में परिवर्तन का उचित समय है। इस बीच अगर कहीं शुभ प्रयास किया जाए तो आपको शुभता का आभास मिल सकता है। कविता जी, कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा तुम्हारा आर्थिक पक्ष, तो आर्थिक लाभ इस युति में आने वाले 17 दिनों में इनको होगी। देखिए, आर्थिक पहलू पर अगर बात करते हैं तो आर्थिक पहलुओं पर नवम भाव जो आ रहा है वह कुंभ राशि का आ रहा है और दशम भाव जो है वह गुरु स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में इस समय बैठे हुए हैं। तो आर्थिक पक्ष पे कुछ खर्चे ऐसे आएंगे इस दौरान, अनसर्टन आएंगे, जिनको आप प्लान करके नहीं बैठे थे और वह आपको आकर आपके आर्थिक पहलू को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। और यह गोचर जाते जाते जो है वह आपको फिर से एक बार आर्थिक रूप से मजबूत करता हुआ जाएगा। तो आर्थिक रूप से देखें तो प्लस माइनस दोनों का प्रभाव यह गोचर दिखाता है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए। कविता जी, चलिए चाहिए जाते जाते क्या कुछ उपाय 17 दिनों में मिथुन राशि वाले जातकों को करने चाहिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे उत्तम है कि इस समय अपने पारिवारिक चीजों को बैलेंस करने के लिए कि आपसे लोग, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगेगा कि कई बार आपके कुछ आंसर ऐसे रहेंगे जिनसे लोगों को यह आभास होगा कि यह किसी अहम में बोल रहा है या यह किसी अहम में बोल रही है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्योस या दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, चाहे वह पारिवारिक लोग हों, भाई बहन हों, माता पिता हों, या ससुराल पक्ष में हों, या फिर आपके मित्रवत लोग हों, किसी भी संबंध में यह चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ सबसे बड़ी चीज़ अपने रिश्तों में पॉजिटिविटी देने, क्योंकि यह दोनों पहलुओं को इफेक्ट करेगी। जब आप अपने घर में परिवार में खुश नहीं रहेंगे या डिस्टर्ब रहेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को भी वह डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप कुछ मत करिए, तुलसी का रस लीजिए या तुलसी अर्क लीजिए और डेली आप सुबह जो है स्नान करने के बाद, जो भी आप अपने पूजा आराधना का शेड्यूल रहता हो उसको करने के बाद तुलसी का, चाहे पत्ते का, वैसे तो अच्छा शुभ यही होगा कि तुलसी के पत्ते से रस निकाला जाए और वह आप अपने मस्तक पर तिलक करना शुरू करिए। वह आपके मस्तिष्क को शांत करेगा, एकाग्र करेगा और आपके अंदर बोलने और निर्णय लेने की क्षमता को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो यह शुभता आपको मिलेगी। कविता जी, चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि मिथुन के लिए खास तौर पे सूर्य शुक्र की ये युति क्या कुछ लेकर आने वाली है इन आने वाले 17 दिनों के भीतर भीतर। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।